दोस्तों बांग्लादेश के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनके विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत को भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे, लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं। अब पारी थी इन दोनों के सब्र का पार टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की दो गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लगाना शुरू की कि मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने की इरादे से ये मैदान में आए हूं। उसके बाद चाहे कोई भी गेंदबाज सामने आए, साकिब आ जाए, तस्कीन आ जाए या मेहंदी हसन मिराज ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया, जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी। तो लंच ब्रेक से वापस आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसे धोया कि बारी बारी इन दोनों धुरंधरों ने अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, उनका करियर तबाह कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उनकी बेमिसाल पारियां देखकर तो क्रिकेट जगत उनका मुरीद हो चला है। तो दोस्तों गिल और पंत की लाजवाब पारियों को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।